नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। सीएम ने जनपद लखीमपुर खीरी में बोट पर सवार होकर किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। सीएम योगी ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे भी किया, नुकसान का लिया जायजा। यूपी सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के दिए निर्देश। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था आज उसका परिणाम है कि बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं, हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन बारह जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1,00,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले।